नमस्कार दोस्तों, मैं मोहन वर्मा। आज से मैं सेमेस्टर 3 अर्थात 506 का वीडियो अपलोड करने शुरू कर दिया हूँ। दोस्तों, आप लोगों के डिमांड के अनुसार इस बार मैंने पीडीएफ नोट्स तैयार कर रहा हूँ और बहुत सारा नोट्स तैयार हो चुका है। दोस्तों, ये पीडीएफ नोट्स आप लोगों के लिए अवेलेबल है। इसमें आपको एमसीक्यू, लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, आपका शब्दों के अनुसार जितने शब्दों में आपको उत्तर देना है उस तरह से लिखा गया है। सटीक है, आदि करने में बहुत ही आसान है। आप इसे खरीद सकते हैं। 506 और 507 दोनों का जो कॉस्ट है 80 रुपये है और एक का कॉस्ट 50 रुपये है। दोस्तों, खरीदने के लिए आप लोग पेटीएम से पेमेंट कर सकते हैं। मेरे आप व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करें, वहाँ पर आपको कैसे प्रोसेस होगा पूरी प्रोसेस मैं बता दूँगा, क्या क्या आपको दूँगा ये सभी मैं चीज़ें बता दूँगा। धन्यवाद दोस्तों। अब हम लोग आगे चलते हैं प्रश्न की ओर। ये शॉर्ट आंसर टाइप का प्रश्न है। इस वीडियो में 3 प्रश्न मैंने लिया है। तीनों प्रश्न को एक एक करके हम लोग देखेंगे। सबसे पहला प्रश्न है, वृद्धि एवं विकास में अंतर स्पष्ट करें। यहाँ पर वृद्धि और विकास में अंतर स्पष्ट करने के लिए बोला गया है। तो हम लोग चलते हैं। सबसे पहले हम लोग वृद्धि की बात करेंगे। वृद्धि क्या होता है और विकास क्या होता है? दोस्तों, वृद्धि क्या है? आकार में बढ़ोतरी, ऊंचाई, भार और लंबाई जिसमें मात्रात्मक परिवर्तन होता है वृद्धि कहलाता है। दोस्तों, वृद्धि क्या है? बच्चा का शरीर का बढ़ना, वजन बढ़ना, लंबाई बढ़ना, ये सभी चीज़ बढ़ना वृद्धि कहलाता है। जैसे मान लीजिए एक जन्म के साथ एक बच्चे का वजन 3 केजी है, 1 महीने के बाद 4 केजी हुआ, ये वृद्धि कहलाएगा। इसकी लंबाई में भी वृद्धि होती है। मान लीजिए कोई बच्चा आज 5 फीट का है, कुछ दिनों 1-2 साल 5 साल के बाद यदि वह 5.5 फीट हो जाता है तो इसको हम लोग वृद्धि कहते हैं। इसको हम माप सकते हैं। यहाँ पर हमने क्या देखा कि मापा 3 केजी से 4 केजी, ये माप करके देखा कि कितना बढ़ा। यहाँ पर भी हम लोग माप करके लंबाई को माप सकते हैं। आज 3 फीट था, 4 साल 5 साल के बाद 4 फीट हुआ, तो इसकी वृद्धि को हम लोग नाप सकते हैं, वजन को माप सकते हैं, तो ये वृद्धि कहलाता है। अब हम लोग चलते हैं विकास। रूप और आकार में परिवर्तन जो कार्य या चरित्र में गुणात्मक परिवर्तन लाते हैं विकास कहलाते हैं। गुणात्मक परिवर्तन, गुणात्मक परिवर्तन क्या है? दोस्तों, इसको ऐसे समझिए, 1 साल का एक बच्चा है, इसके कार्य में परिवर्तन, कार्य या चरित्र में परिवर्तन। अब देखिए कार्य में कैसे परिवर्तन होता है। 1 साल का बच्चा है, यह अभी सांप के बारे में जानता नहीं है, उसके आगे सांप आ जाए तो इसको पकड़ के खेलना चाहेगा। लेकिन यह जब 2 साल या 3 साल का हो जाता है, जब यह सांप के बारे में जान जाता है तो वह सांप से डरने लगता है, भागने लगता है। सांप का नाम सुनते ही वह डर लेने लगता है। तो इसका मानसिक विकास हो गया, ये समझने की शक्ति इसके अंदर आ गया, तो ये विकास हुआ। तो यहाँ पर कार्य या चरित्र में गुणात्मक परिवर्तन लाते हैं, गुण में परिवर्तन होता है। आगे देखिए दूसरा पॉइंट हम लोग क्या लिखे हैं। वृद्धि शारीरिक परिवर्तनों को दिखाता है, जो यहाँ पर मैंने बताया कि वृद्धि जो है शरीर में होने वाले परिवर्तन को दिखाता है। विकास शारीरिक परिवर्तन के साथ साथ संपूर्ण परिवर्तनों को दिखाता है। देखिए विकास क्या है कि इसमें वृद्धि तो रहेगा,
वृद्धि के साथ साथ आपका जो अन्य परिवर्तन हुआ, जैसे सोचने की क्षमता, समझने की क्षमता, ये जो बढ़ा, इसी को विकास करते हैं। इसमें देखिए वृद्धि भी रहेगा और ये जो सोचने की क्षमता है, समझने की क्षमता है, यह भी होना चाहिए। ये दोनों में जब विकास करता है, प्रगति करता है, बढ़ता है, तो हम इसको विकास कहेंगे। देखिए तीसरा नंबर, वृद्धि विकास का एक अंग है। यहाँ पर वृद्धि जो है विकास का एक अंग है और विकास परिवर्तनों को संपूर्णता में संबोधित करता है। यानी विकास जो है संपूर्णता, मतलब वृद्धि भी और विकास भी, दोनों इसमें रखता है। वृद्धि परिपक्वता के साथ रुक जाता है। वृद्धि जो होता है परिपक्वता के साथ रुक जाता है। कैसे, देखिए अभी एक बच्चा जो 3 साल का है, इसकी लंबाई 3 साल में कितनी होगी? 3 फीट के आसपास, ढाई फीट के आसपास। लेकिन यह बढ़ते बढ़ते जब 17-18 साल हो जाता है, तो इसकी जितनी बढ़ने की कैपेसिटी था वो बढ़ जाता है, 5 फीट, 5.5 फीट, 6 फीट, 6.5 फीट, जितना होना है वह बढ़ जाता है। अब 17-18 साल के बाद यह बढ़ता नहीं है, जितना हो गया, 5 फीट हो गया, 5.5 फीट हो गया, 6 फीट हो गया, 6.5 फीट, जितना हो गया उससे वो आगे नहीं बढ़ता है। क्या 18 साल के बाद जब 36 साल होता है, तो आप 18 में 5 फीट हुआ था, तो 36 साल में इसका डबल 10 फीट लंबा होता है क्या? नहीं। 18 साल के बाद उसका उम्र बढ़ेगा, विकास होगा, लेकिन लंबाई नहीं बढ़ता है, लंबाई स्टॉप कर जाता है, रुक जाता है। तो यहाँ पर यही लिखा हुआ कि वृद्धि परिपक्वता के साथ रुक जाता है और विकास जीवन भर चलता रहता है। जीवन भर कैसे, देखिए 18 साल में कोई बच्चा ISC पास कर गया, तो यहाँ पर इसकी समझने की क्षमता, सोचने की क्षमता कम रहता है। लेकिन यही जब 2-3 साल 4 साल के बाद BSc या कुछ आगे बढ़ जाता है, कर लेता है, तो इसकी सोचने की क्षमता, समझने की क्षमता बढ़ते रहता है, बढ़ जाता है। तो विकास जो है यह जीवन भर चलती रहता है। जब तक आप पढ़ेंगे, जब तक आप सीखने की कोशिश करेंगे, नए नए चीज़ों को सीखना चाहेंगे, वह आपका विकास होता रहेगा, यह जीवन भर चलता है, यह रुकता नहीं है। वृद्धि को मापा जा सकता है, मैंने बताया कि कितना किलो या लंबाई में कितना बढ़ा, इसको हम माप सकते हैं, लेकिन विकास को माप नहीं सकते हैं। कितना उसका दिमाग का डेवलपमेंट हुआ, आज तक इसका नापने का कोई तरीका नहीं है। एक IQ है, लेकिन IQ के द्वारा परफेक्ट जांचा नहीं जाता है। वृद्धि विकास में आ सकती है या नहीं भी आ सकती, वृद्धि जो विकास में आ भी सकता है या नहीं आ सकता है। विकास व्यक्ति के क्रियाशीलता में सुधार कर वृद्धि को शामिल कर सकता है या नहीं सकता, यहाँ पर विकास वृद्धि में आ सकता है, यहाँ पर विकास में वृद्धि भी आ सकता है अथवा नहीं आ सकता। चलिए अब हम लोग देखते हैं दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न में है, क्या वृद्धि विकास से भिन्न है, यदि हाँ तो कैसे? देखिए आप, इसका उत्तर ऊपर वाले प्रश्नों में छिपा हुआ है। ये जो ऊपर वाला प्रश्न उत्तर है, उसी से आप इसको लिख सकते हैं। मैं यहाँ पर कम शब्दों में लिखा हूँ, लेकिन आप इसको लंबा कर सकते हैं। हाँ, वृद्धि विकास से भिन्न है, वृद्धि विकास से भिन्न है। यहाँ पूछा क्या विकास वृद्धि से भिन्न है, हाँ ये भिन्न है। वृद्धि में आकार अर्थात ऊंचाई और भार में परिवर्तन को दर्शाता है। वृद्धि क्या करता है, जो बच्चा का वजन बढ़ता है, लंबाई बढ़ता है, इसको दर्शाता है वृद्धि। जबकि विकास रूप एवं कार्य या चरित्र में परिवर्तन लाता है, जो मैंने अभी डिटेल में बताया। वृद्धि एक समय के बाद रुक जाता है, अर्थात उदाहरण प्राय 18 वर्ष के बाद लंबाई का बढ़ना रुक जाना, यानी 18 वर्ष के बाद रुक जाता है, जबकि उसका विकास चलता रहता है। चलिए तीसरा देखें, यहाँ पर तीसरा प्रश्न है, विकास की दिशा का सिद्धांत अथवा शीर्षपाद पुच्छे सिद्धांत को लिखें। विकास की दिशा यानी विकास किधर से होता है, इसकी दिशा क्या है, इस दिशा को बताना है, अथवा शीर्षपाद पुच्छे सिद्धांत को लिखना है। तो सबसे पहले मैं इसको डिफाइन कर लूँ, उसके बाद
विकास की दिशा का सिद्धांत कहता है कि बच्चों का विकास सबसे पहले सिर से होता है। सिर से बच्चों का विकास होने लगता है, यहाँ से होने के बाद भुजाएं का विकास होता है, भुजाओं का विकास होता है, इसके बाद पैरों का विकास होता है, उसके बाद पैर का विकास होता है। तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि इसका विकास सिर से पैर की ओर हुआ, सिर से पैर की ओर, यही हुआ विकास की दिशा का सिद्धांत, और इसी को शीर्षपाद पुच्छीय सिद्धांत बोला जाता है। सिर से पैर की ओर बच्चों का विकास करना, सबसे पहले आप देखेंगे कि बच्चे अपने सिर पर नियंत्रण करता है। अपने आप इसको समझने के लिए, यदि आपके घर में छोटे बच्चे हैं, 2-3 माह, 4 माह का या 1 माह का, इस बच्चों को आप देखिए, आप देखेंगे कि सबसे पहले ये सिर पर अपना नियंत्रण, जिधर चाहता है बच्चा उधर घुमाता है, अपने अनुसार सिर को नियंत्रित करता है, उसके बाद पैर को, ये हाथ को नियंत्रण करने के लिए सीखता है या हाथ पर नियंत्रण कर पाता है। जब हाथ पर नियंत्रण हो जाता है तभी वह पैर पर नियंत्रण कर पाता है, अर्थात बाद में वह चलने लगता है, दौड़ने लगता है। आप देखेंगे कि दौड़ने चलने का काम इन सबों के बाद होता है। तो यहाँ पर देखिए मैंने क्या लिखा है कि विकास की दिशा शीर्षपाद पुच्छीय शीर्ष से के साथ साथ केंद्र से परिधि की ओर होता है। बच्चे पहले अपने सिर पर नियंत्रण करता है और फिर भुजाओं और पैरों पर नियंत्रण प्राप्त करता है। इसी प्रकार बच्चा पहले बड़ी मांसपेशियों पर नियंत्रण करना सीखता है और फिर छोटी मांसपेशियों पर नियंत्रण कर पाता है, अर्थात बच्चे पहले भुजाओं मतलब हाथ पर नियंत्रण करने की योग्यता विकसित करता है, इसके बाद वह अंगुलियों पर नियंत्रण कर पाता है। तो यहाँ पर हम लोग एक डायग्राम जैसा बना सकते हैं कि पहले सिर का विकास संभव होता है, उसके बाद भुजाओं का अर्थात हाथों का, उसके बाद पैरों का। सबसे पहले बड़ी मांसपेशियों का, भुजाओं का, उसके बाद छोटी मांसपेशियों अर्थात अंगुलियों का। अर्थात हम लिख सकते हैं कि शारीरिक विकास एक निश्चित क्रम में होता है, एक निश्चित क्रम में होता है, एक निश्चित क्रम में होना विकास की दिशा का सिद्धांत कहलाता है, सिद्धांत पुच्छीय सिद्धांत कहलाता है। तो दोस्तों मैं फिर से एक बार बता दूं कि मेरे द्वारा 506 और 507 का PDF नोट्स तैयार किया गया है, जो आपके आने वाले एग्ज़ाम 506 507 के लिए बहुत ही मददगार होगा। बहुत ही सरल भाषा में लिखा गया है, सटीक शब्दों में लिखा गया है, और प्रत्येक इकाई से संबंधित सारे प्रश्नों को टेकअप किया गया है, एक भी प्रश्न को छोड़ा नहीं गया है। दोस्तों आप इसे मात्र 80 रुपये में खरीद सकते हैं। आपको पेटीएम से पेमेंट करना है और मैं PDF का लिंक आपको आपके WhatsApp पर भेज दूंगा। धन्यवाद दोस्तों। इच्छुक लोग मेरे WhatsApp नंबर 94-709-18-896 पर WhatsApp कर सकते हैं। प्लीज़ कॉल मैं अटेंड नहीं कर पाऊँगा, बहुत सारे लोगों का अटेंड नहीं कर पाता हूँ, कॉल प्लीज़ नहीं करेंगे, ओनली WhatsApp करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।